कॉर्पोरेट अकाउंट नंबर 4 है, लिक्विडेशन ऑफ जॉन स्टॉक कंपनी के बारे में है। पर इम्पोर्टेंस हम डिस्कस करेंगे ये वाली वीडियो के अंदर, और एक दो टॉपिक है जो थियोरेटिकली IMP है का, उसके बारे में बता देता हूँ तुम लोग को। जैसे कि यहाँ पर देख तेरे को दिया हुआ है, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग सब देखेंगे, रिसीप एंड पेमेंट वाला। अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक इधर ही है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से असेट और लायबिलिटी को अलग अलग लिस्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर लिस्ट नंबर ए में आती है फ्री असेट। पर फ्री असेट मतलब कि ऐसे वाली असेट जिसके ऊपर कोई भी तुम लोग ने लोन वगैरह ना लिया हुआ है। बी नंबर के अंदर जाती है एज वाली असेट, जिसके ऊपर तुमने क्या किया हुआ है, लोन वगैरह लिया हुआ है। सपोज समझ ले कि कोई असेट है उसकी कीमत कितनी है, फॉर एग्जांपल के तौर पे 20,000 है की, और उसके ऊपर तुमने लोन कितना लिया है 30,000, हम लोग कितना बताएंगे, -10,000 रुपीज़ बताएंगे, बराबर है। या उसका अपोजिट हो गया, सपोज समझ लो 30 की लोन है, तूने क्या करा हुआ, 30 की प्रॉपर्टी है, तूने लोन कितना लिया है 20 का, तो 30 में से 20 जाएगा तो 10,000 असेट में बताएंगे। लिस्ट नंबर सी में क्रेडिटर आएगा, लिस्ट नंबर डी के अंदर तेरा जाएगा डिबेंचर होल्डर वगैरह, लिस्ट नंबर ई एगा अनसिक्योर क्रेडिटर के लिए, लिस्ट नंबर एफ एगा प्रेफरेंस शेयर के लिए, लिस्ट जी एगा वो इक्विटी शेयर के लिए है, ने लिस्ट एच हैगा वो क्या है सरप्लस अकाउंट के लिए। इसको पर हम लोग क्या करते हैं, सम देखते हैं, देखिए सम दिया हैगा, बराबर है। सबसे पहले नंबर है पूरे का पूरा तेरे को सम्स वगैरह दे दिया, आईडी से इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट नंबर है, लिस्ट नंबर ए मतलब क्या कि भाई ऐसे वाली असेट जो फ्री वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या देख गया, ये सब ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है कि कंटीजन लाइबिलिटी दी है, वर्कमेंस ड्यू दिया है, इन्वेस्टिगेशन इट इज़ फाउंड द कंटीजन लाइबिलिटी वो सब तेरे को दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया, अदर फिक्स असेट दिया, करेंट असेट वगैरह दिया है। देख अब तीन असेट है, यहाँ पर लाइबिलिटी में देख सिक्योर डिबेंचर दिया है लैंड एंड बिल्डिंग पर, तो लैंड एंड बिल्डिंग हैगा वो कहाँ पर जाएगा, लिस्ट नंबर बी पे जाएगा, मतलब ये दोनों कहाँ पर जाएगा, लिस्ट नंबर ए की असेट है। फिक्स असेट और करंट असेट, फिक्स असेट ने करंट असेट की वैल्यू देखिए यहाँ पर दे दी 18 लाख और 35 लाख, तो मैं क्या करूँगा 18 लाख 35 लाख लिस्ट नंबर ए की वैल्यू लिख दूँगा। इसके बाद आता है लिस्ट नंबर बी, लिस्ट नंबर बी मतलब क्या, जिसके बदले में तुमने लोन वगैरह लिया होगा, तो यहाँ पर जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है भर उसके सामने तुमने क्या किया हुआ है, लोन वगैरह लिया। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 11 लाख है, 11 लाख है भर, किसके सामने तुमने लोन लिए, ये 10 लाख के सामने लिए, तो 11 लाख में से 10 लाख चला जाएगा, तो बार वैल्यू हम लोग कितनी लिख देंगे, 1 लाख रुपए लिख देंगे। देख लिख दिया 11 में से 10 जरा जाए तो 1 लाख रुपए लिख देंगे, ठीक है। अब असेट का तो खत्म हो गया ना, असेट का सबका टोल करेंगे तो कितना आएगा, 54 लाख आएगा। उसके बाद क्या करूँगा, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में कौन सी चीज़ हैगी, तो लायबिलिटी में ये सब चीज़ है। पर फिर आता है था लिस्ट नंबर सी, तो लिस्ट नंबर सी में क्रेडिटर वगैरह आएगा। देख इसके बाद क्या करूँगा, लायबिलिटी की हेडिंग वगैरह लगाऊंगा, ये लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देख लायबिलिटी के मैं हेडिंग वगैरह लगाऊंगा, तो लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा, तो भाई जो भी लायबिलिटी में जो भी जिसके सामने तुमने लायबिलिटी दी थी सिक्योर क्रेडिटर वो आएगा, तो 10,000 के सिक्योर क्रेडिटर है क्या, 10 लाख रुपए के है क्या, तो मैं क्या करूँगा 10 लाख रुपए यहाँ पे लिख दूँगा, पर इसको यहाँ बाहर नहीं लिखूँगा। अच्छा मेरे को बाहर कब लिखना है, सपोज समझ ले मैं क्या करता हूँ, ये 11 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है कि, पर मैं बाहर क्या करता हूँ 11 लाख पूरे लिख देता हूँ, मतलब यहाँ मैं 11 लाख लिख दूंगा, तो मैं 18 लाख 35 लाख 11 लाख का टोटल करूँगा तो कितना आएगा, 64 लाख आ जाएगा। देखिए यहाँ मुझे अपना बताया 64 लाख, मतलब अगर मैं यहाँ ऊपर 10 लाख माइनस नहीं करूँगा, मतलब यहाँ बाद में 11 लाख लिखूंगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये 10 लाख रुपये वो 10 लाख रुपये मैं यहाँ बजू बाहर लिखता, बराबर है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, 10 लाख तो नहीं यहाँ से माइनस कर दिया ना, तो यहाँ 10 लाख रुपए नहीं बता रहे, अगर यहाँ तो 10 लाख माइनस ना करो तो 11 लाख रुपए तुम बाहर लिखोगे, तो यहाँ 64 लाख रुपए तक टोटल हो जाएगा, जैसे यहाँ बताएगा। क्या अगर तुम 11 लिखते हो बाहर, तो यहाँ 10 लाख रुपए लिख देने का, बराबर, यहाँ ऊपर माइनस कर दिया है, इसके लिए यहाँ मुझे 10 लाख नहीं लिखेंगे, 10 लाख कौन से वाले नहीं लिखेंगे, तो ये 10 लाख रुपये सिक्योर डिबेंचर किसके सामने, लैंड एंड बिल्डिंग के सामने, तो हम लोग ने इसको लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो 11 लाख रुपये थी उसमें से हम लोगों ने क्या करा, ऑलरेडी 10 लाख को माइनस कर दिया है, इसके लिए हम लोग ने वहाँ पर जो नहीं लिखा। इसके बाद क्या आता है, तो प्रेफरेंट टाइप ट्रेडर आता है,
ने प्रेफरेंट डायरेक्ट रेडर की वैल्यू देखो ऊपर कितनी दी है, लिस्ट नंबर सी, लिस्ट नंबर सी मतलब प्रेफरेंट डायरेक्ट रेडर, इसको बोलते हैं प्रेफरेंट डायरेक्ट रेडर, 150,000। तो 150,000 रुपये मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो बाहर लिख दूँगा, ऊपर मेरा टोटल कितना था 54 लाख, 54 लाख में से 1,50,000 जाएगा तो कितना आएगा 52,50,000 आएगा। अगर मैं ऊपर यहाँ 10 माइनस नहीं करता तो यहाँ मेरा कितना आता 64 आता, 64 आता नहीं, 64 में से ये 10 और 1,50 में माइनस करता तो यहाँ का मेरा टोटल 52,50,000 आता। चाहे तो 64 करके कर, चाहे तो 54 करके कर, 54 करके कर या 64 करके कर, बराबर हो गया। इसके बाद क्या आता है, अब जितना भी बचा वो तो सब अनसिक्योर है, तब बचा तेरा क्या क्या आएगा, तो भाई हम लोग का बचा है अनसिक्योर लोन हैगा, ट्रेड क्रेडिटर हैगा, बराबर है। ये दो बचे 20 लाख और 35 लाख, ने डिस्काउंटेड बिल है कंडीशन लायबिलिटी का 1 लाख, तो क्या करूँगा ये आपको लिख दूँगा 20 लाख, 35 लाख, 1 लाख, टोटल हुआ कितना 56। यहाँ बचे मैं 56 लिख दूँगा, 52,50,000 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा 3,50,000 रुपये, मेरा आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पर क्या हो गया, ये जो भी तेरा आंसर आ गया माइनस में, बरोबर। उसके बाद फिर जो हम लोग को क्या करना आएगा, तो उसके बाद जो हम लोग के पास बचा क्या आएगा, बर इक्विटी शेयर बचाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बचा है, और कुछ बचा है, और कुछ भी नहीं बचा, बरोबर ने। अच्छा ये इक्विटी शेयर वालों के कितने रुपये है, 25 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है 20 लाख रुपए माइनस में, तो इक्विटी शेयर का जो भी हो वो लिख दो, ये 3,50,000 रुपए है, उसके अंदर इक्विटी शेयर के कितने हैं 25 लाख रुपए है, पर तो ये 3.5 लाख रुपए का तो यहाँ पे हमारे को लॉस है और इक्विटी वालों का भी लॉस है, मतलब टोटल इक्विटी वालों को लॉस कितना होगा 28,50,000 का लॉस होगा। ये सम जब तक तुम काउंट नहीं करोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, एकदम ही ईजी वाला सम से, कोई हार्ड वाला तुम्हारा सम नहीं आएगा।